आपका आज का जो व्यक्तिमत्व है वो अधिकांश रूप से बचपन में आपके ऊपर संस्कार कैसे हुए इसके ऊपर निर्भर रहता है। देखिए कि एक बच्चा है, आप समझ लो एक बच्चा है, और वो बच्चा एक कमरे में है, घर में है, और उसके ऊपर सब लोग चिल्लाते हैं, उसको बोलते हैं कि बेवकूफ़ है, तेरे को अक्कल नहीं है, तेरे को समझता नहीं है, तू ये काम ठीक नहीं कर सकता, तूने ये करना चाहिए था, तूने वो करना चाहिए था, उसको थोड़ी बात होगी तो एक थप्पड़ लगा दिया, ऐसा मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ सब कुछ उसके ऊपर ऐसा बम्बार्डिंग कर रहे कि सब निगेटिव है। होगा क्या, ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो एक ऐसा बालक तैयार होगा कि बहुत डरा हुआ इंसान है, घबराया हुआ इंसान है और हारा हुआ इंसान है, उसको हरदम डर रहेगा कि कोई ना कोई अपने आलोचना करेगा, कोई कुछ हमको कर देगा और मैं गलत हो जाऊंगा और लोग चिल्लाएंगे। अब देखिए वही बच्चा समझो, आप उसको घर में प्यार देते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसको बोलते हैं कि तू बहुत होशियार है, अच्छा इंसान है, तू कुछ भी कर सकता है, तुम्हारा काम करने का तरीका जो बहुत अच्छा है, हाँ तू गलतियाँ कर सकता है मगर फेल भी हो सकता है, तू गलतियाँ कर, जितनी करना मर्जी उतनी गलतियाँ कर, मगर आके मुझे बोल दे कि मैंने गलती कर लिया, मैं तेरे साथ में हूँ, मतलब इस तरह का यदि उसको एक आश्वासन उसको दिया, आश्वस्त है वो कि नहीं मैं कुछ भी करूँगा तो भी मेरे माता पिता या घर के लोग मेरे साथ है, अब देखिए वो बालक कैसा निर्माण होगा, या वो कैसा कॉन्फिडेंट, एक डेयरिंग वाला, एक ऐसा उत्साहित, कोई भी काम को चैलेंज लेने वाला ऐसा बालक तैयार हो जाएगा वो बड़ा होके, ऐसा इंसान तैयार हो सकता है। देखिए कि आपका कोई मित्र यदि आलोचना आपकी करता है, आपको गलत ठहराता है, आपको सपोर्ट नहीं करता, आपको हरदम ही वो निगेटिव बोलते रहता है या तुम कैसे गलत हो ऐसा बोलते रहता है कि तुम गलत कैसे हो, क्या आप इसके साथ में आप रहना पसंद करोगे? बिल्कुल ही नहीं। हमारे में हरदम एक बालक ही रहता है। अब वो बालक के ऊपर हमने प्यार करना नहीं करना, हमने अपने आप को कोसना, वो बालक के ऊपर चिल्लाना या बालक को बोलना ठीक है यार जो भी होगा कुछ नहीं गलतियाँ कर सकता है तू, और उसको संवारना, ये हम कर सकते हैं और वो करेंगे तो एक अच्छा जीवन हम जी सकेंगे। तो हरदम अपने आप के ऊपर प्यार करो, जो भी गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करने का है, और फिर वो गलतियाँ फिर से नहीं होंगा उसकी मतलब केयर लेने की है, उसकी चिंता करने की, फिर से गलतियाँ नहीं होना चाहिए, और फिर आगे का जीवन में कैसे जी सकूँ, अपने आप को शाबाशी दो। यदि आप कुछ अच्छा काम करते हो अपने आप को बोलो वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा आज काम किया। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, जो गलतियाँ हैं उसको बार बार बोलते रहते कि मैंने ये गलती किया, मैंने वो गलती किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ऐसा बोलते रहते हैं। अच्छा काम किया तो नज़रअंदाज कर देते, तो अच्छा काम किया तो बिल्कुल खुद को रिवार्ड देना, खुद को अप्रिशिएट करना, उसको एक्नॉलेज करना, लोगों को बोलना कि मैंने ऐसा अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है तो ठीक है यार जो हो सकता है तो हुआ, मैंने अच्छा ही किया है ऐसा समझ के उसको वाजिब में रखना। ये करेंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी आप अच्छा जी सकोगे, खुशी से जी पाओगे और डिप्रेशन आपके आसपास आएंगे ही नहीं। यूजली ये काउंसलिंग हम डिप्रेशन के पेशेंट को करते रहते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट को हम देखते रहते कि उन्होंने ऐसा क्या किया बचपन में कि वो आप अपने आप से नफरत करने लगे या अपने आप से गुस्सा करने लगे या अपने आप से निराश हो गए। तो डिप्रेशन के पेशेंट के लिए जो काउंसलिंग करते मैंने आपसे बात किया वो यदि आप अपने बारे में करते तो आप डिप्रेशन में कभी जाएंगे नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।